हे गाइस, दिस इज मी सौरभ। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर गाइस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कैफीन कैसे इफेक्ट करती है हमारे ब्रेन को। बट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस, आपके स्क्रीन के नीचे एक बटन होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब। गाइस, उस पर क्लिक करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आपको मेरे से एक अफोर्डेबल रेट में पर्सनल ट्रेनिंग लेनी हो तो गाइस, आप मुझे रीच कर सकते हो saurabhatspersonaltraining@gmail.com पे। अब गाइज, ये समझने के लिए कि कैफीन कैसे इफेक्ट करती है हमारे ब्रेन को, सबसे पहले आपको इमेजिन करना है कि ब्रेन में, आपके दिमाग में एक लॉक एंड की का मैकेनिज्म है। जो ताला है वो आपके रिसेप्टर्स हैं और जो चाबी है वो आपका एडेनोसिन है। अब गाइज, जो एडेनोसिन होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है कि वो आपके दिमाग को रिलैक्स करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, जिससे आपको थकान लगती है और स्लीप आ जाती है। उसका मेन फंक्शन होता है कि वो आपकी स्लीप को रेगुलेट करता है। तो गाइज, जो चाबी है वो एडेनोसिन है और जो रिसेप्टर्स हैं वो लॉक्स हैं। गाइज, वैसे तो बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं हमारे दिमाग के अंदर, वैसे तो बहुत सारे ताले होते हैं हमारे दिमाग के अंदर गाइज, बट गाइज इस वीडियो के अंदर मैं बस दो रिसेप्टर्स के बारे में बात करता हूँ। एक का नाम है A1 रिसेप्टर और दूसरे का नाम है A2A रिसेप्टर। ये दोनों रिसेप्टर क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं आपके डोपामिन लेवल को, साथ के साथ आपकी बॉडी को एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, साथ के साथ और जितना भी आपको एनर्जेटिक लगता है, एंथुसियाज्म लगता है, वो इनकी वजह से लगता है, इन दोनों रिसेप्टर्स की वजह से लगता है। अब क्या होता है, अगर इन दोनों रिसेप्टर्स के साथ एडेनोसिन मिल जाएगा, अगर एडेनोसिन A1 रिसेप्टर के साथ और A2 रिसेप्टर के साथ मिल जाएगा, तो आपकी बॉडी को टाइटनेस लगेगी, थकान लगेगी, जिससे आपको थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। पर गाइज, अगर आप कैफीन कंज्यूम करते हो, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, पिल्स फॉर्म में हो, कॉफी के फॉर्म में हो, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक्स के थ्रू कैफीन ले रहे हो, कोई भी फॉर्म में हो, अगर आप कैफीन कंज्यूम करते हो, तो क्योंकि कैफीन का स्ट्रक्चर एडेनोसिन के स्ट्रक्चर से बिल्कुल सिमिलर है, तो इसलिए क्या होगा, जब भी आप कैफीन कंज्यूम करोगे तो वो, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, तो वो लॉक के आगे आके खड़ा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो आपकी कीज है एडेनोसिन है वो उसके अंदर जा ही नहीं पाएंगी, लॉक के अंदर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड ही नहीं हो पाएंगे। तो गाइस, जिससे आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी लगेगी, जिससे आपकी बॉडी में ज्यादा डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे, जिससे आपको अच्छा लगेगा, जिससे आपका ADHD का लेवल सही रह सकता है, जिससे आपको और अटेंशन लग सकती है। तो गाइस, बेसिकली कैफीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एडेनोसिन के स्ट्रक्चर से बिल्कुल सिमिलर होता है, जिससे क्या होता है, वो आपके लॉक के आगे खड़ा हो जाता है और उस वजह से जो चाबी होती है वो अंदर जा ही नहीं पाती, जिससे सारे जो इफेक्ट्स लगते हैं आपको कैफीन कंज्यूम करने के बाद वो लगते हैं। तो गाइस, ऐसे कैफीन इफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। तो आई होप गाइस कि आपको लॉक एंड की का मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। और गाइस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कैफीन की पूरी सीरीज चलाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैफीन कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, कैफीन की कैसे आपको डोसेज रखनी चाहिए, कैफीन के लोडिंग फेज, डीलोडिंग फेज कैसे आपको फॉलो करना चाहिए। पूरी सीरीज के अंदर मैं आपसे कैफीन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आई होप गाइस की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।